देखिए स्क्रैप का आप धंधा करते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका ये जो अपना आप टेलीविज़न का जो केबल होता है ना सर, देखिए इसमें जो टेलीविज़न का केबल में एक सिल्वर एक टाइप का एक सिल्वर जो क्या बोलते हैं सिल्वर फॉइल रहता है। अब ये जो आपको ना मिक्सिंग होगा, ठीक है ना, ये आपको मिक्सिंग भी नहीं होने वाला है और आपको जब इसका ग्राइंडिंग भी नहीं होने वाला है, ये मेल्ट भी नहीं होने वाला है और आपका स्क्रू बैरल को भी डैमेज करने वाला है। तो इस तरह से जो आपको स्क्रैप देने वाले हैं वो आपको स्क्रैप देते हैं। देखिए आप देख पा रहे हो ये कितना आपके इसमें वर्क पड़ने वाला, एक एक कौन निकालने को बैठेगा बताओ। इस तरह का कोई सप्लायर आपको दे देता है इस तरह का मटेरियल, ये देख रहे हैं ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कौन सा मटेरियल है इसको, कॉटन उसमें आता है। इस तरह का आपका इसमें धागे मिलते हैं जो आपको निकालना मुश्किल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लास फाइबर बोलते हैं, ग्लास फाइबर इसमें मिक्स रहता है। तो ये ग्लास फाइबर जो है आप कितना निकाल पाओगे, देखिए आपके सामने कम से कम ये हमारे सामने 2 किलो मटेरियल हम आपको सैंपल में लिए हैं, 2 किलो मटेरियल में इस तरह के आपका मटेरियल आता है, किसको कौन निकालेगा ये। तो या तो प्रोडक्शन में मेल्ट भी होने वाला नहीं है, ग्राइंडिंग भी नहीं होने वाला है, आपको ये ग्राइंडर को भी ब्लेड को भी ख़राब करने वाला है और आगे जब चाहते हो तो आपको मिक्सर को भी डैमेज करने वाला है, तो स्क्रू बैरल को डैमेज करने वाला है। आगे जैसे ग्रेनुअल आप निकालते हो तो ग्रेनुअल में बार बार अरे हर 10-15 मिनट पे अगर ये मटेरियल जाएगा तो आपको फिल्टर को चेंज जाली को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको डायरेक्ट लाश से इस तरह का भी मटेरियल आपको परचेज नहीं करना चाहिए।